मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस है, बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। आज भी यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एमएनएस के अपॉर्चुनिटी के बारे में पता भी नहीं है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि उन बच्चों को भी अवेयर किया जाए और साथ ही साथ जो बच्चे जानते हैं उनको और डिटेल में चीज़ें पता चलें। देखो जब कोई चीज पता नहीं होती ना, अवेयरनेस सही नहीं होती, हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन पे आते हैं डाउट। डाउट से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, राइट? जिसको पता होगा कि एग्जाम कैसे क्या कंडक्ट होता है वो तो प्रिपरेशन में लगा होगा, बट जिनको पता ही नहीं है इस एग्जाम के बारे में, कोई उनको बता देगा बहुत टफ होता है तो मान जाएंगे हाँ यार टफ होता होगा। किसी ने उसको बता दिया कि आपकी हाइट कम है आप नहीं जा पाओगे तो वो मान के बैठ गया कि मेरी हाइट कम है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपको मिसगाइड किया है तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। अगर आपका भी ऐसा ही सपना है कि आपकी भी ऐसी पिपिंग सेरेमनी हो, आपके भी कंधों पर सितारे लगाए जाएं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द बॉन्ड या एग्रीमेंट इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बहुत सारे आपने एम्प्लॉयमेंट्स में सुना होगा कि वो पर्सन वहाँ पर एम्प्लॉय हुआ, उससे एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करा लिया गया, भाई तुम इतने साल हमारे कंपनी को नहीं छोड़ के जा सकते हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाती हैं। तो क्या कोई ऐसा बॉन्ड या एग्रीमेंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में होता है? और होता है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं, या सबको साइन करना होता है या फिर कुछ लोगों को साइन करना होता है, क्या सिर्फ जो परमानेंट कमीशन के लिए तरफ जाते हैं उनको साइन करना होता है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है या सिर्फ एक कंफ्यूजन है? जो एमएनएस की सर्विसेज हैं, एमएनएस के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, एमएनएस के थ्रू क्यों आप जाओ, क्या मिल रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि फ्री, ठीक है, कोई चीज़ फ्री होती है तो बहुत अच्छी लगती है ना। तो फ्री में आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल रहा है, एंड बीएससी नर्सिंग होगी वो भी 4 ईयर्स की, ठीक है, 4 ईयर्स की बीएससी नर्सिंग का एक प्रोफेशनल कोर्स आपको होने जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं पे करनी आपको वहाँ पे, कोई ट्यूशन फीस, कोई भी फीस, किसी भी तरह की फीस, मैथ्स फीस, कुछ भी नहीं पे करनी है। तो ऊपर से इंडियन आर्म फोर्सेस में हो रहा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अब अगर मैं बात करूँ विड्रॉल की, तो इसके बारे में डिटेल पहले समझ लेते हैं बॉन्ड मनी के बारे में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स या टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग या रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कमीशन, ठीक है, इफ यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कमीशन, ठीक है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कमीशन इन द एमएनएस व्हेन ऑफर्ड, द कैंडिडेट विल बी लायबल टू पे द बॉन्ड मनी एट अ रेट प्रोपोर्शनेट टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम शी हैज बीन ट्रेन्ड इन द इंस्टीट्यूट। सेकेंड पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं, एनी कैंडिडेट विदड्रॉइंग फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 डेज ऑफ एडमिशन, ओके, ये बहुत ध्यान रखनी वाली लाइन है, इसको ध्यान से समझ लेना कि आफ्टर 7 डेज ऑफ एडमिशन अगर आप विदड्रॉ करते हो कोर्स से तो यू विल हैव टू पे द बॉन्ड मनी, ठीक है, आपको क्या पे करना पड़ेगा, बॉन्ड मनी पे करनी पड़ेगी एज पर द एग्रीमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय देम एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू कॉलेज। अब हम समझते हैं पहले थोड़ा सा एमएनएस के बारे में, ठीक है, जो हमारा एमएनएस है वो हमें दे क्या रहा है, ठीक है, पहले ही समझ लेते हैं ना क्या दे रहा है, फिर तो हम विड्रॉल के बारे में सोचेंगे। 4 ईयर्स की बीएससी नर्सिंग कोर्स दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, 4 ईयर्स की बीएससी नर्सिंग कोर्स, उसके बाद कोई फीस नहीं है, ठीक है, कोई फीस नहीं लग रही आपको यहाँ पे। थर्डली यहाँ पे आपको ऊपर से स्टिपेंड और मिलेगा, ठीक है, स्टिपेंड मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो 4 साल का आपका कोर्स होगा उस दौरान आपको कुछ पैसे भी दे जाएंगे, ऐसे पॉकेट मनी आप इसे देख सकते हो। उसके बाद जो आप यूनिफॉर्म पहनोगे, ठीक है, जो वहाँ पे ड्रेस चलेगी आपकी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, उसका यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा। साथ ही में जब आपको लीव्स मिलेंगी अपनी फैमिली से मिलने के, घर जाने के लिए, उसका भी ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो पूरी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी नर्सिंग जैसा प्रोफेशनल कोर्स मिल रहा है, कोई फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस, कोई मैथ फीस, कुछ नहीं लगने वाली है। साथ ही में आपको स्टिपेंड दिया जा रहा है और यूनिफॉर्म की अलाउंस दे रही है, साथ में ट्रैवल अलाउंस भी दे रहे हैं, भाई घर जाओ घर से आओ, ठीक है। तो वो सारा खर्चा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्म, ठीक है, जो वो यूनिफॉर्म है पीच कलर्ड की, और जो इंडियन आर्मी का रुतबा है, ठीक है, वो आपको मिल रहा है, ठीक, एज जब आप ज्वाइन करोगे तो आप एज अ, ठीक है, ल्यूटिनेंट जॉब ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप रेज हो सकते हो टू दी
मेजर जनरल, ठीक है, मेजर जनरल हाईएस्ट पोस्ट है अभी फिलहाल एमएनएस के लिए। हो सकता है आप लकी रहे, तब तक और इंक्रीज हो जाएगी पोस्ट, सो हो सकता है आप लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच पाओ, राइट। तो अभी क्या है ना, ये बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये सब आपको इस एक करियर अपॉर्चुनिटी में मिलने वाला है। ऊपर से अभी इतने सारे बेनिफिट्स, सीएसडी का ले लो, मेडिकल ले लो, आपकी पूरी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज, सीएसडी की फैसिलिटी जिसमें आप कैंटीन जाओगे और बाहर के रेट से कम रेट में मम्मी को सामान दिला पाओगे, ठीक है। तो वो सब बेसिक चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। अभी आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बाहर से ले लेंगे, सुपरमार्केट से ले लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, बट वहाँ में और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। आप कहीं खड़े होंगे, आप बताएंगे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, और आप बताओगे कि मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर हूँ, तो वो जो वाइब्स होंगी ना वो बहुत अलग होंगी। वो जो स्टेटस होगा ना, सोशल स्टेटस, वो बहुत हाई होता है, ठीक है। आप ग्रेड ए के ऑफिसर बनना चाहते हो या आप नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इतनी सारी चीज़ें जिस चीज़ें मिल रही हैं, पहली बात तो उससे विड्रॉ करने का ख्याल ही मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक रियल डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि मुझे क्विट करना है। वो आपसे बॉन्ड साइन करा लें कि 50 साल जॉब करनी है ना, खुशी खुशी कर देगा इंसान। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जज्बा है कि वो वर्दी का जुनून होता है ना जब, तो वो जुनून के आगे आपको टाइम, चीज़ें, पैसे, ये सब चीज़ें तो आपको दिखेंगी भी नहीं। आपको ये लिखेगा कि मैंने सपना देखा था, मेरा सपना पूरा हो गया, अब मुझे 50 साल 100 साल यहीं बिताने हैं ना, मैं बिता लूंगी। तो वो अगर आपके दिमाग में चीजें चल रही ना, आप कभी ये सोचोगे ही नहीं कि विड्रॉ करने पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। चलो एक अमाउंट मैं फिगर आउट कर भी देती हूँ कि अगर आप बॉन्ड एग्रीमेंट को ब्रेक करते हो, जैसा कि आपको बताया गया कि 7 साल का जो टाइम है, राइट, तो आपको ये पता चल गया कि अगर 7 दिन के एडमिशन के बाद, मान लो आपने एडमिशन लिया, ठीक है, आज 27 है, ठीक है, 27 मई को आपने एडमिशन लिया, और उसके बाद 2 जून को विड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, 2 जून के बाद आप विड्रॉ करना चाहते हो, मान लो कि 3 जून को करना चाहते हो, ठीक है, अब आप 3 जून को विड्रॉ करना चाहते हो, तो क्या होगा? आपको पता है, पहले तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हो सकता है आपको अपनी ट्रेनिंग का, वो जो सीट का कॉस्ट है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ सकता है, डेट इज 28 लाख रुपीज अप्रॉक्स, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, इससे ज़्यादा ही पे करनी पड़ सकती है अपनी उस एक सीट को आप लीव करोगे, क्योंकि उस सीट पे कोई बेहतर डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता था। अगर आपको नहीं करना था तो आपको इतना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए था। इंडियन आर्म फोर्सेस का टाइम इतना यूजलेस नहीं है कि आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो इससे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि इन सब चीज़ों के बारे में आप ना सोचें, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें, क्योंकि प्रिपरेशन से ज़्यादा अभी फिलहाल आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मेरा कहना तो सिर्फ यही रहेगा कि इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना नहीं चाहिए, हालांकि इन्फॉर्मेशन सब चीज़ों की आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम बॉन्ड एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 7 दिन का टाइम है ना, अगर आप 4 साल के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद आपको कमीशनिंग भी दी जाएगी, अगर आप कमीशनिंग को भी रिफ्यूज़ करते हो तो भी आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, ट्रेनिंग को बीच में तोड़ते हो तो भी आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, और कोई भी वहाँ पे ऐसी हरकत करते हो जो आपको वहाँ नहीं करनी चाहिए, आपका मिसकंडक्ट होता है, मिसबिहेवियर होता है, तो भी ही बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैंने मन में ठान लिया है कि मुझे एमएनएस ऑफिसर बनना है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे सर्व करना है नेशन को, और एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर हर दिन मैं अपने आप को देखूँ और प्राउड फील कर सकूँ कि हाँ मेरी लाइफ मीनिंगफुल हो गई है अब, तो अगर ऐसा आपने सोच लिया है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत दूर हैं आपसे। उन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बॉन्ड एग्रीमेंट होता है क्या, करना होता है, कैसे ब्रेक होता है, कैसे बना रहता है, कुछ मतलब नहीं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है, टू सर्व द नेशन इन यूनिफॉर्म। अगर आपका भी ऐसे ही मोटो है तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो से आपको अब कोई भी फर्क पड़ने वाला है, और पहले भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा अपनी प्रिपरेशन में, तो अच्छे से बस अपनी प्रिपरेशन करिए,
क्योंकि प्रिपरेशन मैटर करती है। अगर आप भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को वो प्राउड मोमेंट देना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आएं और फील करें, देखें आपको, और आप उनकी आंखों में वो रिस्पेक्ट देख पाएं, वो प्राउड देख पाएं, तो ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बहुत जल्द आपके MNS की CBT के भी कॉल अप लेटर्स आ जाएंगे जस्ट आफ्टर योर नीट रिजल्ट, जो कि 14 जून को डिक्लेयर होने वाला है। तो जल्दी से अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।